बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बेसिकली फ़िलहाल इंसानियत वेलफेयर के फाउंडर या वर्कर या मेंबर जो भी कह लें उसकी हैसियत से बना रहा हूँ। जो मैंने बाहर हालात देखे, बाहर निकला हुआ था किसी काम से, एक नारियल वाले से नारियल मांगा, तो उसने जो है वो नारियल तो मुझे दिया, लेकिन बातों बातों में पता चला कि वो प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है और गाड़ी खाता को चारों तरफ से सील कर दिया, इसकी वजह से वो नारियल बेचने में मजबूर है। तो ये तो सिर्फ एक किस्सा है, इस तरह के कई किस्से मैंने देखे कि जो लॉकडाउन का शिकार है, 2 या 3 दिन से मार्केट मुसलसल बंद है। हाँ, शटर के बाहर लोग ज़रूर बैठे हैं और ये हकीकत है, और ये हकीकत पुलिस भी ज़ाहिर जानती है, लेकिन ये हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो शटर के बाहर बैठे, और ज़ाहिर कस्टमर की क्वान्टिटी उतनी नहीं होती। ईद सर पर है, लोगों के घरों में ज़ाहिर जो सेविंग्स थी, ज़्यादातर लोग एक एक दिन में खाते हैं और उसी दिन में कमा के खा जाते हैं, एक ही दिन कमाते हैं एक ही दिन में खाते हैं, तो ज़्यादातर लोगों की सेविंग्स जो एक दिन का बचा हुआ था वो ज़्यादातर ख़त्म हो चुका है। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घर राशन पहुँचा सके, यही वजह है कि हम पहली रमज़ान से कोशिश में लगे हैं और तकरीबन 100-150 के करीब हम राशन बांट चुके हैं, और 50 राशन हमने एक इंटीरियर में झुड्डो जगह है वहाँ पर किसी के रिक्वेस्ट पर बांटे थे। अभी भी हम कोशिश में लगे हैं, किसी ने हमें ये आटे डोनेट किए हैं, भेजें, ये भी इंशाल्लाह किसी को देंगे। यहाँ पे चावल भी पैक हो रहे हैं मुसलसल, आप इधर देख रहे हैं, ये चावल कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा ये किसी ने डोनेट किए हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये चावल डोनेट किए और आटा डोनेट किया, और मुसलसल हमारे पास कॉल्स और मैसेज आ रहे हैं, लोग डोनेट कर रहे हैं, तभी हम ये राशन बांट पाए। लेकिन अभी ये इनफ नहीं है, अभी लोगों की तकलीफ बढ़ती चली जा रही है। काफ़ी ऐसे लोगों को जानता हूँ, हम उनको नहीं दे रहे, आप लोग ये बात समझिएगा, जो हाथ फैला रहे हैं हम स्पेशली उनको दे रहे हैं जो मेहनत करने के बावजूद घर का खर्चा पूरा नहीं कर पा रहे। जैसे कि मैं मिसाल दूंगा, अभी रिसेंटली जिस शख्स को हमने राशन दिया वो एक दुकान में काम करता है, उसकी सैलरी 6,000 है, और उसके बॉस ने उसको, उसके सेठ ने उसको 3,500 दिए ये बोल के कि काम ही नहीं है, मैं पैसे कहाँ से दूँ, और वो ज़ाहिर सेठ भी अपनी जगह सही है क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। तो वो अब आप सोचें, उसका घर इतने ही खर्चे में उसको निकालना है, उसकी वाइफ सिलाई करती है, कोशिश करती है, पूरा पूरा मियाँ बीवी पूरी मेहनत कर रहे हैं। बहरहाल एग्जाम्पल देने का मकसद ये है कि लोग बहुत मुश्किल में हैं। पहले लॉकडाउन में भी भरपूर आप लोगों ने साथ दिया, इस लॉकडाउन में भी थर्ड वेव में भी बहुत खतरनाक हालात हैं, हम लोग हालात को बहुत करीब से देख रहे हैं। पाकिस्तान स्टैंड्स विद इंडिया का टॉप ट्रेंड हमने देखा, वो मुसलसल चलता रहा, लेकिन अब पाकिस्तान स्टैंड्स विद पाकिस्तानी किस हद तक कामयाब जाएगा मुझे नहीं पता। अगर आपको नहीं है हम पे ट्रस्ट, जिस पे ट्रस्ट हो, चाहे वो JDC हो, सैलानी हो, जो भी इस फील्ड में आगे निकले हुए, आप उनमें से किसी की मदद कर सकते हैं, जिसकी आप चाहे मदद कर सकते हैं, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज़ मदद करें, आगे आए, लोगों का सहारा बने। अगर हम तक रीच करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में हमारे वेलफेयर का नंबर, मेरा अपना नंबर मैं डाल रहा हूँ, ईजी पैसा बैंक अकाउंट जिसके थ्रू आप कहेंगे फिजिकली आके लेके चले जाएंगे, और अगर आप कहेंगे कि कितने का राशन पड़ रहा है, कहाँ बनवा रहे हैं, सब कुछ मैं आपको डिटेल बता दूंगा। एक चीज़ हम चेंज कर रहे हैं राशन में, जो अभी तक दे रहे थे बेसन जो हम डाल रहे थे वो हटा के आटे की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आटा एक बेसिक चीज़ है जिससे रोटी बनती है। तो बहरहाल कहने का मकसद है, पाकिस्तानी बहुत मुश्किल में है, मैंने बाहर हालात जो देखे, लॉकडाउन है, लोग मायूस हैं, इस वक्त अशद ज़रूरत है लोगों को मदद की, और मैं इस मदद की अपील कर रहा हूँ आप सबसे, मुझे दे सकते हैं, मुझे दे नहीं तो अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने आसपास में ख़ास नज़र रखें, अगर किसी को आपकी ज़रूरत है तो खुद जाके हेल्प कर दें, अगर आपको ट्रस्ट के इश्यूज हैं तो भी मसला नहीं है, आप खुद जाके हेल्प कर सकते हैं। जिस किस्म का सवाल आप करना चाहें कर सकते हैं कि हम कहाँ दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, कहाँ से बनवा रहे हैं। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासा अमाउंट का हम बांट चुके हैं, लेकिन अभी हमें ना हमें थकना है ना रुकना है, हमें बस कॉल का इंतज़ार रहेगा आपके, और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह मुझे ज़रूर कॉल आएंगी, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा टीम के साथ मिलकर राशन बांट सकूँ, ताकि लोग थोड़ा सुकून में, लोग बहुत मुश्किल, बहुत शुक्रिया। और उसको वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स कलेक्ट करने में आसानी हो। थैंक यू।